फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल्स के बारे में, गर्ल्स के बारे में, कौन सा कोर्स वो चूज करे, कौन सा कोर्स 2019 में करे जिससे उनको जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लड़कियों की सबसे प्रॉब्लम क्या है, जल्दी शादी हो जाना। घर वाले उनको टाइम नहीं देते हैं तैयारी करने के लिए। लड़कों जैसा उनके पास टाइम नहीं होता है कि बहुत दिनों तक तैयारी कर सके। आपको एक फिक्स टाइम देते हैं कि इसने इस टाइम के ड्यूरेशन, जैसे 20 से 25 साल एवरेज टाइम है जो लड़कियों को घर वाले देते हैं कि आप जल्दी से कोई ना कोई जॉब ले लो या पढ़ लो जितना पढ़ना है, इसके बाद आपकी शादी हो जाती है। तो ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है। तो सोच लीजिए यहाँ पर कितना उम्र फैक्टर काम कर रहा है। हर 3 में से एक लड़की की शादी 18 साल से पहले उम्र में कर दी जाती है। अगर इसी के यूनाइटेड नेशन की ही बात करें, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की बात करें, एक रिपोर्ट की बात करें, तो इसमें बताया गया कि 60% साउथ एशियन गर्ल की शादी 10वीं क्लास से पहले कर दी जाती है। तो कितना खतरनाक ये रेशियो है। और जो लड़कियां बचती हैं, जो 40% लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, उन लोगों को हमारे सोशल जो इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है जो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। बाकी की जो 40% लड़कियां बचती हैं वो पढ़ना चाहती है, फिर भी हमारे सोशल जो प्रॉब्लम है, जो हमारी मानसिकता है, हमारे जो सोचने का ट्रेंड है, वो उससे पढ़ने नहीं देता। क्योंकि लड़कियों को एक उम्र दी जाती है कि 20 से 25 साल तक के आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है कि आप इसके अंदर में जॉब ले लो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक ग्रेजुएशन करने में आपको 21 साल लगते हैं, तो आपके पास अगर 3 साल मिलते हैं, 21 और 3 24 साल, तो 24 साल में आप चाहेंगे कि बहुत बड़ा कुछ कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बहुत ये रेशियो कम है। खुद लड़के 30 साल तक तैयारी करते हैं लेकिन लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता है। हाँ, 1-2% लड़कियां हैं जिनको ये मौका मिलता है, उनको फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम की हम बात करें, हम एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, इंडिया में 3 तरह के कोर्स कराए जाते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल कोर्स, दूसरा होता है अनट्रेडिशनल कोर्स, और तीसरा होता है बिजनेस पर्पस कोर्स। तो शुरुआत करेंगे हम ट्रेडिशनल कोर्स से। इसमें जो कैटेगरी है, चॉइस और अनचॉइस होता है। चॉइस का मतलब ये हो गया कि जैसे आप बचपन से शौक रखते हैं, बचपन से आप किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी करते हैं, एक पार्टिकुलर करियर को आप चुनते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, जैसे IPS बनना चाहते हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, या बैंक में जाना चाहते हैं, या आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, और बहुत सारे CA करना चाहते हैं, या मैनेजमेंट MBA करना चाहते हैं, या और जैसे प्लेयर बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो चॉइस बेस्ड होता है। उसके लिए मैं आपसे कुछ बताने वाला नहीं हूँ इसमें, क्योंकि ये चॉइस बेटर होता है और खुद का चॉइस है तो आगे जाकर सफलता मिलेगी। अनचॉइस में प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी पड़ोसी को देखकर आप इस कोर्स को चॉइस कर लेते हैं कि उसका नौकरी मिल गया है, वो कोर्स करने से जल्दी नौकरी मिलती है, या पेपर में एडवर्टाइजमेंट के वजह से कि बहुत सारे जॉब आ रहे हैं तो ये कोर्स हम कर लें, या कोई आपके रिश्तेदार, मम्मी पापा के अलावा भैया भाभी या मामा दादा, कोई भी रिलेटिव आपको ये समझा दिया कि ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब मिल जाएंगे, तो आप उस कोर्स के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आप समझते नहीं, उस चीज़ को देखते नहीं कि वहाँ पे कितनी भीड़ है, तो आप रिसर्च बिना रिसर्च किए उसमें चले जाते हैं और वहाँ पे आप अच्छा से अपना ग्रोथ नहीं कर पाते, अपने एफर्ट नहीं लगा पाते, आप उस चीज़ों को टारगेट नहीं कर पाते हैं। वजह यह होती है कि वो आपका चॉइस नहीं था, गलत चॉइस किया था आपने। तो लड़कियों के लिए ये इस तरह का कोर्स करना बेहद मुश्किल होता है, आप नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद हम बात करेंगे अनट्रेडिशनल। नेक्स्ट, जो इंडिया में कोर्स कराए जाते हैं अनट्रेडिशनल होते हैं, अपारंपरिक होते हैं, ये कोर्स कोई नहीं करता है, बहुत से कम लोग हैं जो करते हैं। हम बात करें, आप फीमेल के लिए बात करें, लड़कियों के लिए बात करें, लड़के तो हर फील्ड में है, हर जगह ज्यादा संख्या में लोग कोर्स करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ITI के कोर्स देख लीजिए, इसमें 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक सॉफ्ट स्किल होता है, एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। जैसे सॉफ्ट स्किल में फैशन टेक्नोलॉजी, स्विंग कटिंग, ड्रेस मेकिंग इत्यादि, जो अपना खुद के विकास कर सकते हैं, खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, या लघु उद्योग में आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, अगर आप लड़की हैं और चाहती हैं कि जल्दी नौकरी मिल जाए, तो आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ऑटोमोबाइल इत्यादि ट्रेड से आप ITI करते हैं तो जल्दी नौकरी मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अनट्रेडिशनल कोर्स है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या कम है और सरकार इस रेशियो को मेंटेन करना चाहती है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और बहुत सारे विकसित देशों में जैसे अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस इत्यादि देशों में लड़का और लड़कियों के रेशियो हर डिपार्टमेंट में सेम है, लेकिन यहाँ पे मुश्किल होता है ये करना। इसीलिए गवर्नमेंट, या कहते स्टेट गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट की बात करें, तो 35% आरक्षण दे रखा है
आप किसी भी कास्ट की हो, अगर आप गर्ल्स हैं, आप लड़की हैं, तो आपको 35% आरक्षण मिलेगा, आपके लिए स्पेशल सीटें आएंगी। सोचिए, अगर आप फीटर की जॉब के बारे में देखिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करना चाहूंगा कि बिहार के इलेक्ट्रिसिटी विभाग में, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी विभाग में 2000 सीट आया था इलेक्ट्रीशियन के लिए, आईटीआई के लिए। इसमें लड़कियों के लिए 35% सीट आरक्षित था, लगभग 700 के आसपास। और बिहार में देखेंगे तो लड़कियों को जो रेशियो है आईटीआई से, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई करने का, बहुत कम है, 1-2% हो सकता है। और मेरे कोचिंग में दो लड़कियां थी और दोनों का सिलेक्शन हो गया, 90 के बैच में दो लड़कियां थी और दोनों का सिलेक्शन हो गया। तो देखिए कितना 100% गारंटीड है सिलेक्शन का। और उनका नंबर सुनिएगा तो आप आश्चर्य हो जाइएगा, बहुत कम कट ऑफ हुआ है। इसलिए हो गया क्योंकि वो अनट्रेडिशनल कोर्स कर रही थी, अपने लिंक से हट के दूसरा चीज कर दी। फैशन टेक्नोलॉजी उन्होंने नहीं किया, स्विंग कटिंग में नहीं गई, उन्होंने कंप्यूटर का क्लास नहीं किया, उन्होंने बैंक की तैयारी नहीं किया, क्लर्क नहीं तैयारी किया, लेकिन एक बेहतरीन ऑप्शन चुना, आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड चुन लिया और इसमें उनको जल्दी सफलता मिल गई। और सफलता मिलने के कारण क्या था, कंपटीशन कम था, लड़कियां कम थी, 35% लड़कियां थी ही नहीं, तो फिर किसको लेगा वो, तो जितनी भी लड़कियां एग्जाम दी सबका सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह का अगर जॉब करना चाहते हैं, इस तरह की अगर नौकरी चाहते कि जल्दी नौकरी मिल जाए, कम उम्र में नौकरी मिल जाए, तो आपको इस तरह के कोर्स करना पड़ेगा। तो आप आईटीआई की तरफ मुड़ सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जहाँ पर लड़कियों की संख्या कम है और सरकार की तरफ से 35% आरक्षण भी है, तो वहाँ पर आपको मौका मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स, बिजनेस के पर्पज से जो कोर्स किए जाते हैं। जैसे कि आप लड़की हैं, आप चाहती हैं कि हम अपना खुद का सेल्फ बिजनेस करें, या गवर्नमेंट का तैयारी नहीं करना चाहते, आपका खुद का बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो आप कोर्स कर सकते हैं। इस टाइप के जो कोर्स होते हैं, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, स्विंग कटिंग हो गया, हेयरिंग हो गया, या पेंटर का हो गया, स्किन एंड हेयर केयर मेंटेनेंस का हो गया, या कह सकते हैं एम्ब्रॉयडरी का हो गया, इत्यादि सारे कोर्स हैं आईटीआई में, जो आप घर पे करने के बाद आप खुद का ही बिजनेस डेवलप कर सकती हैं। तो इस टाइप का भी जॉब आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प के रूप में खड़ा है। आप बैंक का जॉब तैयारी करती हैं, आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर सफलता आपको नहीं मिलती है, जल्दी से नहीं मिलती है, सफलता का जो रेशियो बहुत कम है। तो आप इस तरह का जॉब कीजिए जहाँ पे आपको जल्दी से नौकरी मिल जाए। इसीलिए आज के बदलते परिवेश में आपको खुद को निर्णय लेना होगा कि हम किस तरह जाना चाहते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो अनट्रेडिशनल में, जहाँ पे लड़कियों की संख्या कम है, जिस कोर्स लड़कियाँ कम करते हैं उसको कीजिए। आप अगर चाहती हैं कि फैशन टेक्नोलॉजी से हम करें, स्विंग कटिंग से करें, पैटर्न मेकिंग से कर लें और आपको जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो ये बड़ी बहुत मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट में इसका रिक्वायरमेंट कम है, गवर्नमेंट सेक्टर में इसका मैन्युफैक्चरिंग कम है। लेकिन इसके लिए अगर प्राइवेट में देखेंगे तो बहुत बड़ा डिमांड है। हर एक इंसान को लॉजिंग और फूडिंग चाहिए, मतलब खाना और पहनने के लिए हर किसी की जरूरत है, नीड है हर की। तो यहाँ पे अगर आपने फैशन टेक्नोलॉजी, स्विंग कटिंग, ड्रेस मेकिंग इत्यादि का कोर्स कर रखी है, तो प्राइवेट में आपका बहुत बड़ा स्कोप है, आप वहाँ पर जाकर अपना कैरियर के ग्रोथ दे सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट के लिए अगर आप शौक रखती हैं तो इसके लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। जब आप मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं है तो वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे 7000 से ज़्यादा बच्चे जो आपस में डिस्कस करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।